हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, इसमें हमारी यूनिट चल रही है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट बढ़िया बनाने पे फोकस है। उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। और उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या प्रोविजन या क्या हेल्प रहेगी या क्या जो है रोल रहेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वो भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी। सो ये बहुत डिटेल टॉपिक होने वाला है। मैंने बहुत मेहनत करके ये पीपीटी बनाई है, तो जितनी भी देर की ये वीडियो हो इसको सुन लीजिएगा एटलीस्ट एक बार, बिकॉज वो होता है ना, सुनने के बाद आपके दिमाग में एटलीस्ट वो पॉइंट्स या वो थॉट्स चले जाते हैं जो कहीं पे मेंशन हो या जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार फ्री में। ठीक है, तो इतना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है स्कूल मेंटल हेल्थ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है क्या ये, इज इट सो इंपॉर्टेंट, ये जानने वाली बात है कि इतना बड़ा टॉपिक हमें दे रखा है। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड-19 का, जो मतलब कोविड-19 हमारा जब आया था उसके बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है वो। अब सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है मनोदर्पण, ये नाम याद रखेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड ब्रेकआउट एंड बियॉन्ड, मतलब कोविड की वजह से ड्यूरिंग दैट, जो कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस दौरान और उसके बाद भी। ठीक है, सो ये एक इनिशिएटिव लिया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएटिव लिया है, और किसके अंडर आता है ये, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर आता है। मनोदर्पण इसका नाम है, और ये मेंटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है मेंटल हेल्थ बढ़िया हो बच्चों की, और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस है इनका। अब वो स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली स्कूल के भी हो सकते हैं, कॉलेज के भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो उनको एड्रेस करने के लिए, उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यहां पे ये मनोदर्पण शुरू किया गया, जो आप याद रखेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा ऐसे फ्लैश करता हुआ, प्लस मनोदर्पण की एक अलग से भी वेबसाइट है। सो आज का जितना भी मटेरियल होगा ना, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सारी की सारी ऑथेंटिक लिंक्स जो है या ऑथेंटिक पीडीएफ, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कॉन्टिन्यूटी में 4-5 जो भी होंगी तो एक बार उनको देख लीजिएगा अगर आपको इसके बाद भी थोड़ी ऑथेंटिसिटी की कंफर्मेशन करनी है तो। ठीक है जी, सो देखते हैं इसके बारे में। मनोदर्पण इनिशिएटिव है, इनॉग्रेट किया गया था 21 जुलाई 2020 में ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, किसके लिए, जो बच्चों की नीड्स है ना, बच्चों की, टीचर्स की, फैमिली की, जो 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 एक्टिविटीज होंगी वो सब चीजों को एड्रेस करने के लिए, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होंगे उनसे रिलेटेड। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन इन्होंने शुरू की इस मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंडर। सो ये तो आत्मनिर्भर अभियान के अंडर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर है मनोदर्पण इनिशिएटिव, और अब मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन जो है वो यहां पे नंबर बच्चों को दिया, ताकि टेली काउंसलिंग, देखिए अलग से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसमें क्या रोल है प्रोविस का जो है गाइडेंस काउंसलिंग, ये सारे टॉपिक्स जो आज का मेजर टॉपिक है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूडेड दिखेंगे। तो उसको ध्यान रखिएगा कि हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं चीजों को स्कूल मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। सो टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन के ऊपर आपकी टेली काउंसलिंग, तो टेलीफोन के ऊपर आपकी काउंसलिंग हो सके जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे, बच्चों की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है, या उनके पेरेंट्स अगर कोई इश्यू एड्रेस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। सो ये नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया। एक इन्होंने सीरीज शुरू की वेबिनार और डिस्कशन सेशंस की, जिसको परिचर्चा बोला गया, जिसमें जो वो भी ऑब्वियसली इसी मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंडर रहेगी, और ये किस लिए है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, किसके बारे में, मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग कंसर्न्स के बारे में, क्योंकि बात होगी तभी बात बनेगी। ठीक है, तो वो बात होने के लिए, बात करने के लिए ये परिचर्चा, एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। देन एक सहयोग करके लाइव इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं वो किसके लिए, रोज शाम को 5 से 5:30 बजे 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के लिए पीएमई विद्या चैनल के ऊपर जो है ये चीज भी शुरू की गई, जहां पे सहयोग नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया, इंटरैक्टिव सेशन शुरू किया गया। बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू,
ओके तो सहयोग कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो सहयोग नाम से ये एक इंटरेक्टिव सेशन भी इन्होंने शुरू किया। सो आप ये नाम याद रखेंगे, ओके, मनोदर्पण, परिचर्चा, सहयोग, नेशनल हेल्पलाइन नंबर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप मनोदर्पण की वेबसाइट देखेंगे, तो मनोदर्पण की वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगी। सो मनोदर्पण की जब आप वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर वो एडवाइजरी की बात करते हैं। किसके लिए एडवाइजरी? कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे या प्रमोट करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज को या कंसर्न्स जो है स्टूडेंट्स के, टीचर्स, और कैसे जो है मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कोविड कंडीशन और उसके बाद भी, तो मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ एक एडवाइजरी जारी की, ठीक है। उस एडवाइजरी में ये तीन तरीके की बात कर रहे हैं। एक है रिवाइज्ड एडवाइजरी, किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए और प्रिंसिपल या टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक है एडवाइजरी फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रमोशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड देन फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स में मेजर चीज क्या आ जाती है कि यहाँ पे टीचर का ज्यादा रोल रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले में बच्चे खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो चीजें आ जाएंगी। सो ओवरऑल अगर मैं इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, सो ये 11, 7 और 7 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। जनरल एडवाइजरी है, मतलब वो जो इन जनरल बातें होती हैं, कई बार हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के कहते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता थी, तो वो पहले से पता थी वाली गाइडलाइंस आपको इसमें एडवाइजरी आपको देखने को मिलेगी कि भाई आपको पॉजिटिव होना चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, टीचर को एम्पैथेटिक और एक पेशेंट लिसनर की तरह बातें सुननी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन तीनों के ऊपर व्यू जो है ना, ये व्यू वाला, इसके ऊपर करके जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देन जो ये मनोदर्पण इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया, मतलब इसके अंडर एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ जो बच्चों की है, वेलबींग जो बच्चों की है, जो मिडिल और सेकेंडरी स्टेज पे है स्कूल में, सो उनका एक सर्वे करवाया गया कि अभी की सिचुएशन क्या है। तो वो अभी की सिचुएशन ये कब करवाया गया था, ये जनवरी से मार्च 2022 में करवाया गया था, जिसमें सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंक्लूडेड थी, और वहां पे टोटल 379,842 स्टूडेंट्स, यानी 379,842 इतने स्टूडेंट्स ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने एक सर्वे निकाला, यानी एक पीडीएफ किसकी हो गई, ये सर्वे की हो गई। ऑल्दो उस सर्वे में सारा डाटा मेंशन है तो आपको डिटेल में देखने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल इस सर्वे का लिंक भी मैं आपके लिए, जो सर्वे की पीडीएफ है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है जी। अब ये जो सर्वे इन्होंने करवाया, उस सर्वे की पीडीएफ को देखते हुए, उस सर्वे के रिजल्ट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक हैंडबुक निकालते हैं, ठीक है, एक हैंडबुक और ट्रेनिंग मॉड्यूल निकालते हैं, किस नाम से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी पहले तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमें अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना है, देन उसमें इंटरवीन करना है, यानी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, डेलिबरेटली ऑब्वियसली प्लान तरीके से। सो इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, अब देख कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि जो पीजीटी की पेडागोजी है या जो टीजीटी पीआरटी की पेडागोजी है, क्या उसमें कुछ पोर्शन अलग होना चाहिए क्योंकि वो बड़े बच्चों के लिए है टाइप्स, तो देखिए जहां पे भी बड़े बच्चे आ गए वहां एडोलेसेंट्स की बात आ गई, सो एडोलेसेंट्स की भी डेवलपमेंट की हमने बात की थी, और यहां पे भी इन्होंने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में वो एक चाइल्डहुड का ऑप्शन देख रखते हैं और एक एडोलेसेंट्स का, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी ना, तो दोनों से रिलेटेड है ये चीजें। सो मॉड्यूलर हैंडबुक है ये, किसके लिए, टीचर्स और अलाइड स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स भी आ गए, मतलब जो जो चीज जो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, सो वो सारे स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे। अब उस स्टेक होल्डर्स में टीचर्स आ गए, प्रिंसिपल या जो स्कूल के लीडर्स हैं वो आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, कम्युनिटी आ गई, तो कई चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये किसने बनाई है, ये कमेटी एक एक्सपर्ट कमेटी ने बनाई है, और इसमें मतलब ये किसके संदर्भ में बनाई गई है, यानी इसमें उन चीजों का भी ध्यान रखा गया है जो गाइडलाइंस एनईपी 2020 में मेंशन है, प्लस सेफ स्कूल्स करके, या इन्होंने ना एक वो निकाली थी, एक और आपको क्या मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेंगी जब हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की, स्कूल में सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2021 में कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। सो उसमें वो चीजें हम ऑब्वियसली हमारी लास्ट यूनिट में है, एक सिक्योरिटी का जो
टॉपिक है मेंशन सिलेबस में, उसको भी करेंगे। बट अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि जो सेफ स्कूल्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में है ये चीजें, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखा गया है जब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया, ये हैंडबुक बनाई गई। और जब NEP 2020 में जो गाइडलाइंस मेंशन है, जहां पे बात की गई है ना कि इमोशनल हेल्थ या डेवलपमेंट, तो उन सब चीजों के ऊपर फोकस, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी हैंडबुक है ये प्रिपेयर की गई है। ओके, अब ये जो हैंडबुक है ये क्या है जी, 168 पेजेस की है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पढ़नी है फिर भी, तो मैंने बहुत कंक्लूसिव तरीके से ये पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी इनफ रहेगी, बट स्टिल एक बार खुद की तसल्ली के लिए ये जो लिंक्स मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 168 पेजेस हैं, ठीक है, तो आप या तो 168 पेजेस पढ़िए या उसको स्क्रॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने इनको बहुत मुश्किल से कंपाइल करके, इसीलिए मैं कह रही थी बहुत मेहनत लगी है, 30 से 35 स्लाइड में इसको कंपाइल करने की कोशिश की है। ओके, अब ये जो हमारी 168 पेजेस की हैंडबुक है स्कूल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इसकी स्टार्टिंग किससे है, इसकी स्टार्टिंग में इन्होंने एक पोयम मेंशन कर रखी है जिसमें ये बात करते हैं, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव बाय, जो कि किसने लिखी है पोयम, डॉर्थी लो नॉल्ट ने। ये पोयम क्यों दी गई ना, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसा बच्चे का एनवायरमेंट होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा, तो चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, पूरी पोयम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, एक बार देख लीजिएगा। तो बेसिकली एनवायरमेंट का काफी हद तक रोल यहाँ पे बताया गया है, जैसे वो एक तोते वाली स्टोरी होती थी ना कि दो पैरेट हैं, वो दोनों पैरेट आंधी में बिछुड़ गए, एक जो है वो डाकुओं के उसमें चला गया एरिया में उड़ के, मतलब उड़ के क्या, आंधी के साथ उड़ के, आंधी उसको उड़ा ले गई, और दूसरा जो है वो साधुओं के साथ पला बढ़ाया बड़ा हुआ। तो जब अगर उन दोनों को देखा जाए तो वो एक राजा आता है, तो वो पूरी स्टोरी है, उसमें क्या था कि जो साधुओं के साथ पला बड़ा वो अच्छी अच्छी बातें करना सीख गया, और जो दूसरा है वो जो डाकुओं के साथ पला बड़ा वो वैसी ही बातें, चोर चोरी चकारी की वैसी बातें करना सीख गया। तो कंक्लूजन क्या है कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, तो उनका एक एनवायरमेंट जो है वो बढ़िया होना चाहिए। अब इस मॉड्यूल को इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए बी एंड सी ब्रॉडली। ए में बात करते हैं कि एक होल स्कूल अप्रोच होना चाहिए जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट और जो जिसमें जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना वो भी एक इंटीग्रेटेड वे में शामिल हो। ओके, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रमोशन या मैनेजमेंट कैसे करेंगे मेंटल हेल्थ का, वेलबींग का, एजुकेशन जो है उसका क्या रोल रहेगा, या जो स्ट्रक्चर है स्कूल का स्ट्रक्चर, जो स्कूल के एथिक्स हैं, जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फर्दर इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि कॉमन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एडोलेसेंस की स्टेज में क्या हो सकते हैं, चाइल्डहुड की स्टेज में क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे आप सेंसिटिव तरीके से प्लानिंग करेंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और जो हमारा मेंटल स्कूल मेंटल हेल्थ का पर्सपेक्टिव है उसको सही रखेंगे, मतलब वो बच्चों की मेंटल हेल्थ में चीजें को कैसे आप बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, वो चीजें यहां सारी मेंशन है। ठीक है, सबसे पहली बात, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों दिया गया है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट टीचर्स को एम्पावर करेगा, अभी आप बनने वाले टीचर्स हैं, केवीएस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये 2022 में ये सर्वे हुआ है, 2023 में हमारा एग्जाम हो रहा है, सो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली बनेंगे। ओके, और जब आप इसकी पीडीएफ वो देखेंगे ना, तो वो भी किस पे, केवी संगठन की जो है वेबसाइट है वो दिखेगी आपको उस यूआरएल लिंक में, जो मैं अभी डालूंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। सो वो चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही उसी के ऊपर ये पीडीएफ डाल रखी है, तो ये और इसीलिए इन्होंने सिलेबस में भी मेंशन की है। ओके, सो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं, बस सुनते जाइए। एक बार टीचर्स को किस चीज के लिए एम्पावर करेगा, एक तो हमें ये आइडिया हो जाएगा मेंटल हेल्थ अगर बच्चे की ठीक नहीं है तो कैसे हम उसको डायग्नोस करें, कैसे हम फर्स्ट एड दें, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, ये सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग अबाउट एंड रिस्पॉन्डिंग टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि आपको जब उसके बारे में आइडिया है, वो होता है ना कोई टॉपिक अगर आपको आता है तो आप बेटर तरीके से डिस्कशन कर पाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा ऑलरेडी।
ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग सपोर्टिंग बिहेवियर्स लाइक टॉकिंग, लिसनिंग टू प्यूपिल, आइडेंटिफाइंग मेंटल हेल्थ कंसर्न, वो इश्यूज को देखना, प्रैक्टिकल सपोर्ट कैसे होगी, अगर आप नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो कैसे आप काउंसलर के पास रेफर करेंगे, तो वो सारी चीजें भी, इन सारी चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। नर्चरिंग अ मेंटल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल एनवायरमेंट, कैसे एक मेंटल हेल्थ बेटर हो जाए बच्चों की, ऐसा एनवायरमेंट हमें प्रमोट करना है स्कूल लेवल पे, ओके okay? तो इसलिए हर बार 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 यही बात आएगी कि आप आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, टीचर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए ये क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरमेंट जो है, लर्निंग एनवायरमेंट, उसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए जी। अब ये क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट में क्यों किया गया है, क्योंकि सारा का सारा फोकस एनवायरमेंट के ऊपर है। अगर हम फिजिकल या साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहते हैं बच्चों की या एडोलेसेंट्स की, तो जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है ना, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी आपके पहुंच में होनी चाहिए। कि अगर आपको मेंटली कोई इश्यू आ रहा है, या मान लो कोई स्टूडेंट है और बस में वो आ रही है रोज, बट जो स्कूल बस का ड्राइवर है वो उसको कुछ ना कुछ, मतलब एक इनअप्रोप्रिएट या अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, ठीक है। बट अब वो कहाँ जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर वो हो सकता है, मान लो वो स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है और वो नहीं बता पा रही हो, सो बीइंग अ टीचर आपको बच्चों को इतना आइडिया हो जाना चाहिए, बच्चों को देख के, कि कुछ इश्यू तो नहीं है, बच्चा अगर चुप चुप है, अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है, क्या चीजें हैं, ठीक है। सो वो एक, अगर वो नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप देखेंगे, प्लस अगर बच्चों को अवेयर करवाया जाए कि आपके पास ये ऑप्शन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इन टीचर को आके बताइए, ठीक है। तो वो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि आप उनको, बच्चों को उनकी एक्सेस हो इजीली, ओके। कंसिस्टेंट सपोर्ट जो है वो बच्चों को वहां पे मिलनी चाहिए। मेंटल हेल्थ में जो है सारी चीजें आ जाएंगी, इमोशनल, बिहेवियरल या सोशल वेलबींग जो है वो बच्चे की। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, कि कोई चीज आप जिसको अडेप्ट कर पाए अपनी लाइफ में। जैसे कई बार क्या होता है ना, मान लो किसी का कोई नियर एंड डियर वन जो है उसका लॉस हो गया, कोई एक्सपायर हो गया घर में, सो पॉइंट क्या है आपके नॉन में, तो वो जो लॉस है ना, बहुत बार हम क्या नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सो वो अडेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेंटल हेल्थ की जब भी बात आएगी, सबसे बड़ा टॉपिक ये निकल के आएगा कि आप उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, जो उसके अडेप्ट ना कर पाने की वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इश्यूज क्रिएट करेंगे आपके मेंटल लेवल पे, ओके। सो एक सिक्योर एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, कि मान लो अगर आपका कोई लॉस हो गया या आप कोई चीज से परेशान है तो आप शेयर कर पाए, तो वो एनवायरमेंट अगर बेटर होगा तभी आप शेयर कर पाएंगे, चाहे वो स्कूल का एनवायरमेंट हो या घर का एनवायरमेंट, ओके। सो घूम फिर के बात कहां आ रही है, एनवायरमेंट पे आ रही है, इसलिए ये टॉपिक इस क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट में इंक्लूड किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या बोलता है ये डॉक्यूमेंट, कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं है अगर वो अच्छी हेल्थ या वेलबींग जो बच्चों की है उसको सपोर्ट नहीं करता, बच्चों की, स्टाफ की, कम्युनिटी की। सो जब तक वो अच्छी हेल्थ को, वेलबींग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। और ये पॉइंट, ये मुद्दा जो है ज्यादा विजिबल हो गया कब, कोविड टाइम्स में, पेंडेमिक के टाइम्स में, क्योंकि घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ना था, सिर्फ उसी चार दीवारी में रहना था, तो वो चीजें जो है, या फिर जो आसपास हो रही थी कि भाई कोई किसी का कोई जो है कोविड की वजह से डेथ हो गई, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, सो वो जो चीजें थी ना आसपास की, उनसे जो मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा था बच्चों की भी, स्टाफ की भी या कम्युनिटी की, तो उसको देखते हुए ये डॉक्यूमेंट और ये सर्वे निकाला गया। ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक होल स्कूल अप्रोच को फोकस करता है, ठीक है। होल स्कूल अप्रोच मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की आप बात लगा लीजिए, यहाँ पे इतना सा समझ लीजिए। होल स्कूल अप्रोच जो है वो प्रिवेंटिव है, मतलब हमें एक ऐसा अप्रोच लेके आना है जो कि किसी भी चीज में या मेंटल हेल्थ के केस में पहले प्रिवेंट करेगा, यानी एक होल स्कूल अप्रोच जो है वो क्या करेगा, प्रिवेंटिव होगा नेचर में, यूनिवर्सल होगा एंड इंक्लूड करेगा टारगेटेड इंटरवेंशंस को,
ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए, सब लोगों की जो स्कूल के मेंबर्स हैं, अब वो स्कूल कम्युनिटी के मेंबर्स में टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट सबसे पहले होंगे, जो बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सब भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होगा, सब लोग होंगे, ठीक है। तो वो सबकी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए, मतलब वो मेंटल हेल्थ क्या रहे उनकी, सबकी सही रहे, ठीक है, तो वो प्रिवेंट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को खराब होने से, ठीक है। तो एक होल स्कूल अप्रोच जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आप किस चीज पे फोकस रखेंगे, जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो लो फील कर रहा है और आप उसको कुछ सुना रहे हैं बीइंग अ टीचर, ठीक है, या आप उसको डांट रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके पीछे के रीजंस जानने की कोशिश करनी है। जब आप रीजंस जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है ना, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सही होगा। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा टीचर, आप ये लगा लीजिए कि एक जो आइडियल टीचर होता है ना उसकी छवि दिमाग में लगा के चलिए, तब आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल्स। कुछ एक प्रिंसिपल्स इन्होंने मेंशन किए हैं जो कि होल स्कूल अप्रोच टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दैट सपोर्ट्स एंड चैंपियंस एफर्ट्स टू प्रमोट इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग, ये कैंपेन आएगा शायद, ठीक है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे चीजों को। ऐसा ना हो कि आप जो है कोई मान लो अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में करना चाह रहे हैं बीइंग अ टीचर और प्रिंसिपल आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो जो लीडरशिप है वो सपोर्टिव होनी चाहिए। करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग, उन सब में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये ना हो कि आप एकेडमिक या पढ़ाई की बस पढ़ लो रट लो, उन चीजों पे फोकस करें, आपको जो है सोशल और इमोशनल लर्निंग पे भी फोकस करना है, ओके। एनेबलिंग स्टूडेंट वॉइस टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, स्टूडेंट्स की वॉइस इतनी होनी चाहिए कि वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाए, ओके। तो एक मेंटल हेल्थ जो है उनकी सही होनी चाहिए, हम घुमा फिरा के इसी बात में आएंगे। स्टाफ का डेवलपमेंट टू सपोर्ट देयर वेलबींग एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, आइडेंटिफाइंग नीड एंड मॉनिटरिंग द इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, कि आपने नीड्स जो आइडेंटिफाई की, आपने उसमें इंटरवीन किया, ठीक करने की कोशिश की, तो उसका क्या इंपैक्ट रहा उसको मॉनिटर करना। पेरेंट्स के साथ या करियर काउंसलर के साथ जो है वर्क करना, उनको उन लोगों को भी इंक्लूड करना इस प्रोग्राम में। टारगेटेड सपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट रेफरल, कि जिस बच्चे को जो दिक्कत आ रही है उस तरीके से आप उसको सपोर्ट करें, प्लस अगर आपसे वो चीज नहीं संभल रही है तो आप उसको अप्रोप्रिएट जो है काउंसलर के पास रेफर करें। इथोस एंड एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज डाइवर्सिटी, तो इस तरीके की चीजें इस तरीके के एथिक्स जो है वो स्कूल के होने चाहिए, बिकॉज एथिक्स देख के ही कोई स्कूल में आता है। स्कूल की रेपुटेशन, वो क्या सिखा रहे हैं, इथोस क्या है, सो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो वो चीजों को प्रमोट कर रहा है, बढ़िया चीजों को। तो स्कूल के एथिक्स की जैसे मैंने बात की, तो स्कूल के एथिक्स जो है, स्कूल इथोस, वो कैरेक्टराइज करते हैं किस चीज को, स्पिरिट ऑफ स्कूल, कि आपका स्कूल एक्चुअल में उसकी एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो स्कूल की जो इथोस है वो काफी कुछ आपको दर्शा देते हैं, ठीक है। सो एक हमें क्या करना है, कंड्यूसिव स्कूल एथिक्स इथोस जो है वो बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, जब हम इंक्लूड करेंगे कंड्यूसिव फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं देखना है हमें, साइकोलॉजिकली बच्चा जो है किस तरीके का फील कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, वो भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ एक गाइडलाइंस जो है वो इन्होंने स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल एक्टिविटीज में फोकस करते हुए, जो किस पे फोकस करिए, मेंटल हेल्थ पे। जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर या जो लेआउट है, लाइब्रेरी, टॉयलेट, स्टाफ रूम्स, कंप्यूटर रूम्स, वो सेफ और वेलकमिंग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे का स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता हो, ये हम ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग टू केटर द नीड्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्टूडेंट, यानी जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, जहां पे हमने डिसेबिलिटीज, RPWD, उन सब की बात की थी, तो उन सब बच्चों के लिए भी जो है एनवायरमेंट वैसा ही हो, एक इंक्लूसिव एनवायरमेंट वहां पे हो। पर्सनल एट द गेट या ऑफिस आर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, तो स्कूल में हर कोई इंसान फ्रेंडली बिहेव करे आपसे। ऐसा ना हो कि मान लो एक आंटी पोचा लगा रहे और आप चले गए, तो वो आपको बिल्कुल डांट डांट के पता नहीं क्या क्या ही सुना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि पोचे के ऊपर से चले गए, दोबारा आना पड़ेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो वो चीजों का ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो गेट पे खड़े हुए अंकल हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हैं, या जो नॉन टीचिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है,
वो सारे के सारे जो है क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं इस चीज का। तो वो स्कूल का स्ट्रक्चर और लेआउट जो है वो एक सेफ और वेलकमिंग होना चाहिए। ओके ज्यादा ही खांसी हो गया आज तो। चलिए नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि होती है SMC, ठीक है। वो इंक्लूड करे किसको, टीचर। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ऑलरेडी जो है पेरेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, बट वो इस टॉपिक पे बात करें, मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है उसके ऊपर डिस्कशन चलता रहे। स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स का स्पेसिफिक रोल रहेगा। अब स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स में कौन आएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, जो स्कूल के लीडर्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे प्रिंसिपल लगा लीजिए, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उन सब का क्या रोल रहेगा वो एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले टीचर्स का देखेंगे कि वो बच्चों की तरफ सेंसिटिव हो, ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और आप उसको जो है हवा में उड़ा दें। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। टीचर को एक एम्पैथेटिक लिसनर होना बहुत जरूरी है और एक पेशेंट लिसनर भी, क्योंकि आप शांति से बच्चे की जब बात सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा असली कारण क्या है उसके पीछे, ठीक है। Able to identify mental health related concerns on time. So, आप being a teacher, आप identify कर पाएं बच्चे को कोई mental health issue तो नहीं है। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ाते हैं और कोई बच्चा है जो स्कूल में आना ही नहीं चाह रहा, एबसेंट रहता है या tantrums थ्रो करता है अगर छोटा बच्चा है, तो वो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो causes की हम बात करेंगे अभी, बट mental health related जो भी concerns है वो identify करने के योग्य आप होने चाहिए, और इसीलिए आप being मतलब अभी आप टीचर बनने वाले हैं तो आप ये जो है वीडियो देख रहे हैं। ओके प्रोवाइड गाइडेंस सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एज पर डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस सर्विसेज भी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, तो गाइडेंस एंड जो हमारा प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग था वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। एबल टू प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज एट द राइट टाइम। कई बार होता है कि जैसे इस PDF में ना आपको एक वो मिलेगी, बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी, तो उस केस स्टडी में एक ऐसा ही था कि एक लड़का है जो कि एक केस स्टडी इन्होंने मेंशन कर रखी थी स्टोरी की तरह, कि एक लड़का है जो कि क्या नहीं कर पा, उसको समझ नहीं आ रहा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब है तो वो लड़का सेक्सुअली या बायोलॉजिकली, बट उसको फीलिंग जो है सारी की सारी वो गर्ल्स की तरह है, मतलब वो गर्ल्स की तरह जो है शॉपिंग करना चाह रहा है, चीजें करना चाह रहा है। सो वो जो उसने खुद को क्या किया, इंटरनेट पर सर्च कर करा के वो टीचर के पास आया और उसने बोला कि मुझे ना अपने आप की सर्जरी करवा के लड़की में चेंज होना है, ठीक है। सो ये 8th क्लास के बच्चे की बात इन्होंने केस स्टडी के रूप में डाल रखी थी, तो टीचर भी एक तरीके से क्या है बिल्कुल ब्लैंक, और उनको समझ नहीं आ रहा कैसे जो है उसको ट्रीट करना चाहिए, क्या उसको बोला जाना चाहिए। ओके तो वो चीज ऐसे किसी सिचुएशन में टीचर को पता होना चाहिए कि उनको उस बच्चे को कहां भेजना है, मतलब काउंसलर के पास रेफर करना है कि काउंसलर इस बात को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे इस चीज को या इस मुद्दे को। ये तो एक एग्जाम्पल है, बल्कि इस तरीके के किसी भी मुद्दे को कोई भी बच्चा अगर आपसे कुछ भी शेयर कर रहा है तो उस टाइम पे हंसी मजाक बनाना या क्या बोल रहा है करके ऐसे कुछ छोड़ देना, वो चीज बींग अ टीचर नहीं होनी चाहिए आप में। ओके अगर आप इस तरीके के टीचर बनेंगे तो वो फिर बच्चों को और डिमोटिवेशन ही हो जाएगा कि आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा, ठीक है। सो बींग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि कब करेक्ट टाइम पे रेफरल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। स्कूल लीडर्स की अगर बात करें, जैसे प्रिंसिपल, सो वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे प्रिंसिपल जो है वो SMC की मीटिंग कंडक्ट करवाता है, ठीक है, बट जो SMC वाली चीजें और वो स्टाफ को भी हैंडल करता है, तो स्टाफ हो गया, SMC हो गई, बाकी चीजें हो गई, उनको एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम तो प्रिंसिपल का ही है ना, तो वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो स्कूल लीडर्स रहेंगे। ओके पॉजिटिव स्ट्रेटजीज उनको अडॉप्ट करनी है, किसके लिए, अब्यूजिंग बुलिंग जो है बच्चों के बीच में रोकने के लिए, कोई भी जो है पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट वैसे भी बंद है हमारी RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी वो चीज मेंशन की गई है कि कोई भी स्कॉल्ड कर देना, बच्चे को डांट देना बिना वजह, फिजिकल पनिशमेंट देना किसी उसने अगर कोई भी मिसबिहेव किया है उसके लिए आपको उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। आप ये नहीं करेंगे कि उसको डांट दे, चाहे प्राइवेट में डांट दे, प्रिंसिपल रूम में बुला के डांट दिया या सबके सामने डांट दिया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। Identifying the reason behind that behavior, आपको उस reason, उसका reason जानने की कोशिश करनी है कि वो बच्चा ऐसे क्यों behave कर रहा है। घूम फिर के आप देखेंगे कि हम हर जगह इसी बात पे आएंगे कि बच्चा किसी भी तरीके से behave कर रहा है, चाहे वो tantrum throw कर रहा है, चाहे वो नहीं आ रहा है, चाहे वो आप question पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहा है, या वो किसी और तरीके से react कर रहा है। So आपको ये जानने की कोशिश करनी है, इसीलिए teacher का profession बहुत मुश्किल होता है अगर उसको honestly जो है follow किया जाए तो। ओके, तो कोशिश करनी है वो रीजन जानने की कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है,
ओके, एनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय चाइल्ड एंड गाइडिंग टू मेंड वेज, इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स एंड काउंसलर इफ नेसेसरी. तो एक एनकरेज करना है उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, कि वो एक बार सोचे कि क्या आपने, मान लो बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, तो उसको डांटने की बजाय आप उसको समझाएं, उसको बोलें कि एक बार सोच के देख क्या तूने सच में सही किया था ये, इस तरीके से, ताकि उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि वो खुद के बारे में ही सोचे कि उसने सही किया गलत किया, तो एनकरेज करना है इन चीजों के लिए. अगर जरूरत पड़ रही है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए या फिर काउंसलर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अडॉप्ट वेरियस प्रैक्टिसेस फॉर इंप्रूविंग स्टाफ एंगेजमेंट अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स. उसके अलावा भी आप और मीटिंग्स रखवा सकते हैं, स्टाफ के साथ पिकनिक करवा सकते हैं, इंडिविजुअल मेंटोरिंग या काउंसलिंग जो है स्कूल हेड कर सकता है सभी टीचर्स की. सो वो सारी चीजें होनी चाहिए जब स्कूल लीडर की बात आएगी. ठीक है, देन है स्टूडेंट जी, वो पीयर सपोर्ट लर्निंग में हेल्प करे. ओल्डर स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ यंगर स्टूडेंट्स इवेंट्स में, जब भी मतलब बड़े जो है वो छोटों का ध्यान रख लें. अकेडमिकली एडवांस स्टूडेंट्स जो है जिनको जरूरत है वो उनकी हेल्प कर दें, कि मान लो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है कोई और उसको अच्छे से सब चीजें पता हैं, तो वो दूसरे को समझा दे, पीयर ट्यूटरिंग हो जाए. ठीक है, मेंटेनिंग कैंपस हाइजीन एंड स्कूल अपीयरेंस, तो ये काम बच्चों का रहेगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, उनका क्या रोल रहेगा. देन आता है पेरेंट्स का रोल. वो जो ओरिएंटेशन मीटिंग्स हैं या जो पीटीएम रखवाई जाती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उनको अटेंड करें. बहुत बोल दो, आजकल पेरेंट्स फिर भी अवेयर हैं, बट अभी भी अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल या मैं विलेज लेवल पे बात करूं तो बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते होंगे. ठीक है, या अपने बच्चे की खैर खबर लेने जाते होंगे कि कैसा कर रहा है, कैसा चल रहा है हमारा बच्चा. ठीक है, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो, ताकि क्योंकि वो जाएंगे तभी तो टीचर उनसे बातचीत कर पाएंगे, तभी टीचर उनको अवेयर कर पाएंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड. देन आता है जी टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो अपॉर्चुनिटीज ऐसी प्रोफेशनल लेवल पे भी दी जानी चाहिए, कि मान लो अभी तो हमने बच्चों की बात की ना पेरेंट टीचर मीटिंग में, अभी हम क्या कर सकते हैं कि एक टीचर्स के लिए एक काउंसलिंग रखवा दी, कि टीचर को कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को या किस तरीके से बात करनी चाहिए, वो सब चीजें. सो वो टीचर की कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए भी हम कुछ एक टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रखवा सकते हैं. देन पॉइंट क्या है इन सारी चीजों का, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, स्कूल लीडर्स हो, ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स हो, ओवरऑल हम चाह क्या रहे हैं, हम मेंटल वेलबींग को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं स्कूल के एथिक्स में. और ये कब होगा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की. और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखते हुए ही हमने टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल, स्कूल लीडर्स का रोल, इन सब की बात की है. ओके, कि जब कलेक्टिवली सब लोग कॉन्शियस होंगे, अब उस सब लोग में एक हाईली क्वालिफाइड टीचर भी आ गए और जो आपके गेट पे गेट कीपर खड़े हैं स्कूल के गेट पे, वो भी आ गए. ओके, तो सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा जब मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग की बात आएगी. ओके, सभी स्टेक होल्डर्स को काम करना पड़ेगा. अब कुछ एक स्कूल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन्होंने दे रखे हैं, जो कि वैसे तो इन जनरल है, जब आप पढ़ेंगे तो कि अच्छा हो कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होंगी उनको शब्द मिल जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा. जैसे टीचर को केयरिंग होना चाहिए, एम्पैथेटिक और सपोर्टिव स्टाफ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए स्कूल का क्लाइमेट, हाई मोरल होना चाहिए स्टाफ का भी और प्यूपिल का भी, ऐसा ना हो कि बस धक्के से सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हो, पढ़ाने का एक्चुअल में मन होना चाहिए और बच्चे का भी पढ़ने का मन होना चाहिए, उसका मोरल हाई होना चाहिए. एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम इंक्लूडिंग सपोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स, वो सारी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स बहुत सारे होने चाहिए ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. और एक्टिव पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए. करिकुलम दैट रिकग्नाइजेज द चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज, करिकुलम इस तरीके से डिजाइंड होना चाहिए कि वो बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए हेल्पफुल हो. कंसर्न होना चाहिए किसके लिए, सेल्फ एस्टीम प्रमोट करनी है, इंडिपेंडेंस, सेल्फ एफिकेसी प्रमोट करनी है. टीचर जो है वो टाइम और स्पेस दे रहे हैं बच्चों को सुनने के लिए, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो टीचर सुन रहे हैं. स्कूल प्रोवाइडिंग वेलफेयर, मेंटोरिंग, काउंसलिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सिस्टम, एक फॉर्मल सिस्टम की तरह ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी, जैसे टीचर्स होते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी काउंसलर होना चाहिए स्कूल में. ठीक है, टीचर्स एंड अदर अडल्ट्स इन स्कूल मॉडल केयरिंग रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन. सो ओवरऑल जब आप ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ना, कि एंटी बुलिंग या ड्रग मिसयूज, इस तरीके की पॉलिसीज क्लियर हों, बच्चों की अचीवमेंट को वैल्यू किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाया जाए. ठीक है, टीचर्स भी एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें और कंसर्न हों कि हाँ बच्चे सच में सीख जाएं. इट्स लाइक जैसे मैं कंसर्न हूं कि भाई आपका केवीएस का जो पेडागोजी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तो टीचर को जेन्युइन इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज में कि हाँ करवाना है मुझे. मतलब आप लोग रोज वीडियो देखो ना देखो, मैं कोशिश करती हूं कि रोज एक या दो वीडियो आपके टॉपिक की डल जाएं. ठीक है,
सो पॉइंट क्या है, वो एक जेन्युइन इंटरेस्ट टीचर की तरफ से होना चाहिए। टीचर एनकरेज करे बच्चों के डेवलपमेंट को, सोशल बिहेवियर को, स्कूल एनकरेजिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कि स्कूल भी एनकरेज करे कि पेरेंट्स उन चीजों में इन्वॉल्व रहें। सो ये सारी वही अच्छी अच्छी बातें हैं, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी बातें और भी आ सकती हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स को घुमा फिरा के वो आपसे पूछ भी सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी अच्छी बात जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। ओके, देन आता है जी, इन्होंने दूसरे चैप्टर में मेंशन कर रखा है कि पेडागोजिकल अप्रोच इस तरीके का होना चाहिए, मतलब आप इस तरीके से पढ़ाएं कि मेंटल वेलबींग को वो चीजें प्रमोट करें। ओके, सो बेसिकली सोचा जाए तो बच्चे आते क्यों है स्कूल में, ना स्कूल में भी तो वो खुद की वैल्यू उनको रहे, रिकॉग्नाइज कर पाए वो खुद को, केयर और लव के साथ प्यार से टीचर्स बात करें, अप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट उनको मिले, सो वो चीजें रहती है ना, तो वो चीजें हमें अपनी पेडागोजिकल अप्रोच में डालनी पड़ेंगी। ओके, सो जब भी आप पढ़ा रहे हैं आप इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे का मन करे पढ़ने का, ना तो वो चीजें होनी चाहिए। ऑल्दो कई बार कुछ चीजें जो है वो हाइपोथेटिकल लेवल पे हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी मदर एक टीचर है, तो शी वाज लाइक कि स्कूल में बच्चे ही नहीं आते, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आ ही नहीं रहे हैं अभी भी, जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही होंगी जनवरी के महीने में छुट्टियों के दौरान 10th 12th की, सो 10th 12th के बच्चे जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, कि अगर 40 की स्ट्रेंथ है तो 10 ही बच्चे आ रहे हैं क्लास में, सो वो फिर कैसे, टीचर भी क्या ही करेगा ना, बट जो 10 आ रहे हैं हम इतना कर सकते हैं कि बीइंग अ टीचर जो 10 बच्चे आ रहे हैं उनको हम इस तरीके से पढ़ाएं कि वो 11वें को बताएं कि यार आज बहुत अच्छा पढ़ाया था मैम ने या सर ने। ठीक है, तो वो पेडागोजिकल अप्रोच हमारा इस तरीके का होना चाहिए जो कि मेंटल वेलबींग को प्रमोट करे, प्लस बच्चों को भी एक हैप्पी फीलिंग हो, उनका मन करे आने का। ओके, देन बात आती है जी अर्ली आइडेंटिफिकेशन की और मैनेजमेंट की, किसकी, कॉमन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की। तो जो कॉमन, मतलब इंडिविजुअल वाइज तो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सेप्शन या कुछ और चीजें, बट जो कॉमन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं वो जो है उनको हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना है और उनको मैनेज करने के तरीके ढूंढने हैं। अब 3 तरीके की चीजें हमें यहां मेंशन है, एक है चाइल्डहुड लेवल पे मेंटल हेल्थ इश्यूज और कंसर्न्स, एक है एडोलेसेंट लेवल पे, और एक कुछ एक इमोशनल और बिहेवियरल इमरजेंसीज जो है स्कूल में उनकी बात की गई है, हमें पता होने चाहिए। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कंसर्न का मतलब क्या है। ओके, सो मेंटल हेल्थ कंसर्न जो है वो एक तरीके से डिस्टरबेंस इन फंक्शनिंग, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें डिस्टरबेंस है, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मूड में हो, बिहेवियर में हो, डेवलपमेंट में हो, तो किसी भी चीज में जहां डिस्टरबेंस हो गई, जो चीज जैसे चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चल रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इश्यू है। ठीक है, तो वो इश्यू की हम बात कर रहे हैं, और अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक परसिस्ट कर गई, लंबे टाइम तक चल रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर वो भी लंबे टाइम के लिए होगा, और जब लंबे टाइम के लिए कोई चीज चल गई दैट मीन्स कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो बन गया है, मतलब जो पहले मेंटल हेल्थ कंसर्न था कि जो ठीक होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा थे, अब वो इतने टाइम तक परसिस्टेंट हो गई है, तो परसिस्टेंट होने के बाद वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो बन गया है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, ठीक है, देन बात आती है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की या फिर फाइन ग्रोथ डेवलपमेंट की। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब नॉर्मल डेवलपमेंट का जो पैटर्न है उससे कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए, दैट मीन्स जो हमने डेविएशंस पढ़े थे डेवलपमेंट में उनकी बात की थी, अब वो जो डेविएशंस पढ़े थे ना हमने, जो चेंजेस पढ़े थे, वो चेंजेस या जो डिस्टर्बेंस हो रही है इमोशंस में, बिहेवियर में, रिलेशनशिप में, वो डिस्टर्बेंस या चेंज 2 तरीके से हो सकता है। एक उस डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है डेवलपमेंटल कॉज, मतलब आप बड़े हो रहे हैं, जैसे वो होता है ना कई बार बच्चा ग्रोथ वाइज बड़ा हो रहा है बट उसके साथ साथ उसका बिहेवियर थोड़ा इरिटेटिव हो गया, कि उसको इरिटेटिंग सा फील होता है चीजों से, ठीक है, तो वो एक रीजन तो ये हो सकता है कि चलो कोई नहीं बड़ा हो रहा है ना अभी, उस टाइम की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर डेवलपमेंट की वजह से कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो डेवलपमेंटल कॉज होगा, लेकिन अगर वो मेंटल हेल्थ कंसर्न है, मतलब वो डिस्टर्बेंस जो हो रही है इमोशंस में वो मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, सो 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो मान लो हम बोल देते हैं कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है ना अभी, इसलिए ये पतला हो गया और थोड़ा सा इरिटेटेड भी रहता है कि अभी ज्यादा बातचीत नहीं करता किसी से, ठीक है, एक वो रीजन, तो वो तो डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, तो वो हमें पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि डेवलपमेंटल कॉज है जो इमोशनल, एक सेकेंड, ओके, तो हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वो कॉज जो है वो डेवलपमेंटल कॉज है या फिर वो मेंटल हेल्थ कंसर्न है।
ओके तो मेंटल हेल्थ की अगर वजह से है, या फिर जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं जो हम ऑलरेडी लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ चुके हैं, सो वो हमें पहले समझना बहुत जरूरी है कि वो किस वजह से आ रहा है. तो वो डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए कि डेवलपमेंटल कॉज है या फिर मेंटल हेल्थ कंसर्न है. ओके तो अब हम कुछ एक चाइल्डहुड के मेंटल हेल्थ इश्यूज या कंसर्न्स देख लेते हैं. ये सारे के सारे कंसर्न्स इस पीडीएफ में बहुत डिटेल में मेंशन है विद केस स्टडी, यानी विद एग्जांपल मेंशन है. तो अगर आपको यहां से ना भी समझ आए बाय चांस कुछ, तो क्यों, वैसे तो ये जो टर्म होती है ना हमारी, उन्हीं से सब कुछ समझ आ जाता है हमें, बट फिर भी अगर ना समझ आए तो एक बार वो एग्जांपल्स आप जाके देख सकते हैं. ओके जैसे अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि बच्चा पेरेंट से इतना अटैच्ड है कि ना वो स्कूल जाना चाह रहा है, ना उसका कहीं और जाने का मन है, कोई और उसको टच भी करता है फिजिकली या गोद लेता है तो उससे भी वो इश्यू हो जाता है, उसको अनकंफर्टनेस आ जाती है. तो यहाँ पे क्या है कि वो अटैचमेंट, मान लो वो पेरेंट से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो वो पेरेंट से अटैचमेंट जो है वो एक इश्यू बन सकता है एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि हो सकता है लाइफ में आगे जाके वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट इजीली ना कर पाए. ठीक है, तो जब पेरेंट्स नहीं होंगे इन एक्सट्रीम सिचुएशन तब क्या होगा उसका, ना, तो वो भी एक तरीके से क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यू है हमारे लिए. ओके सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है, जैसे बच्चे बहुत बार क्या होते हैं कि जैसे ही उसकी मम्मी स्कूल छोड़ने गई या पापा स्कूल छोड़ने गए और उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊं, मतलब वो बहुत बिल्कुल ऐसे सेपरेशन एंजाइटी वाली सिचुएशन हो गई. तो वो बीइंग अ टीचर आपको ये समझना पड़ेगा कि किसके क्या साइंस हैं, क्या जो है वो फ्लैग साइंस है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे कि अच्छा टेंट्रम थ्रो कर रहा है बच्चा, तो आप क्या करें, उसको किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की ट्राई करें. ठीक है, तो वो सेपरेशन एंजाइटी क्या हुई कि किसी माँ से या पापा से या किसी से भी सेपरेट होने की वजह से जो एंजाइटी या जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो. स्कूल रिफ्यूजल और स्कूल अवॉइडेंस, अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि एक बच्चा है जो रात को तो आराम से कह के सोता है कि हाँ सुबह स्कूल जाऊंगा, टेंशन मत लो, ये वो जाऊंगा ना, क्यों नहीं जाऊंगा, और सुबह उठते ही उसके कुछ ना कुछ हुआ मिलता है, या तो पेट दर्द हो रहा है या कुछ और हो रहा है. ठीक है, उसको स्कूल नहीं जाना है या उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बेसिकली स्कूल नहीं जाना उसको, तो वो स्कूल रिफ्यूजल या स्कूल अवॉइडेंस वो भी एक तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है. इसके पीछे का कारण हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि स्कूल में कोई दिक्कत हो रही है या उसका मन क्यों नहीं कर रहा है, या बच्चे बुली कर रहे हैं, क्या रीजन है. ओके सो अल्टीमेटली जितने भी यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज और कंसर्न्स हम पढ़ेंगे ना, हमें जानना क्या है, एक तो हमें साइंस नोट करने की हो क्या रहा है, किस वजह से क्या हो रहा है ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, फिर आपको कॉजेस देखने हैं, कारण देखने की क्यों नहीं हो रहा है, और फिर आपको देखना है कि बींग अ टीचर आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. देन है कुछ एक कंसर्न्स होते हैं स्पेसिफिक हैबिट्स से रिलेटेड, जैसे बेड वेटिंग हो गया, एन्यूरेसिस, ये टर्म याद रखिएगा, टेम्पर टेंट्रम हो गया, मतलब वो एक होता है ना एकदम से गुस्सा आ जाना बच्चे को, वो चीज हो गई, थंब सकिंग हो गई. ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक हैबिट्स हो जाती है, जैसे मान लो किसी बच्चे की मम्मी परेशान है कि फर्स्ट क्लास कंप्लीट तो हो गई, अब सेकंड में तो बैठना था, लेकिन बच्चे को आदत हो गई है उसी क्लास में जाके उस कॉर्नर में बैठने की या थंब सक करने की, तो वो एक स्पेसिफिक हैबिट कई बार डेवलप हो जाती है, तो वो उसके भी रीजंस हमें ढूंढने पड़ेंगे. ओके देन है कम्युनिकेशन इश्यू हो सकता है, ये भी एक मेंटल हेल्थ इश्यू या कंसर्न रहेगा, कि मान लो बीइंग अ टीचर आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं और बच्चा जवाब देने की बजाय क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है या बात नहीं कर रहा है, चुप है, मतलब वैसे बच्चा क्लास में कंफर्टेबल है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मतलब बच्चा अगर नया आया है, मान लो दो हफ्ते हो गए और वो बात ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बट बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं. ओके कि वो क्लास में भी भले ही चुपचाप बैठा है बट कंफर्टेबल है, समझ आ रहा है उसको, तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कम्युनिकेशन ना करने का क्या इश्यू है, क्यों नहीं कर पा रहा है वो. एंजाइटी पैटर्न्स हो सकते हैं बच्चों में, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे में देखने को मिल सकते हैं. ऐसे ही डिप्रेसिव स्टेट्स जो है बच्चे में वो भी हो सकती हैं. इश्यूज हो सकते हैं इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के, जिसको कई बार एडीएचडी बोल देते हैं ना हम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि वो अटेंटिव नहीं है और हाइपर एक्टिव है चीजों में ना. कंडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज, कंडक्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, सो और भी वो भी किसमें, मेंटल हेल्थ इश्यूज में जाएंगे. एक्सेसिव इंटरनेट यूज का इश्यू हो सकता है कि बच्चा बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गेम खेलने के लिए या पता नहीं क्या क्या करने के लिए. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इश्यू भी हो सकता है, जो हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का जो उसमें था ना ASD,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी पढ़ी थी हमने, क्या होती है डिटेल में बताई थी। सो मेजरली इसमें क्या जाता है, अगर इसके सिम्टम्स को या साइंस को देखें तो उसमें आता है कि सोशल लेवल पे सोशल बिहेवियर या सोशल कम्युनिकेशन बहुत कम है बच्चे का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं या फिर और अलग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं जो हमने पढ़ी थी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह वगैरह। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जितने भी चीजें हैं, एक तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या साइन हो सकते हैं। कि मान लो सेपरेशन एंजाइटी का क्या साइन हो सकता है, कि जैसे ही मम्मी क्लास में छोड़ के जाती है बच्चा वापस से रोना शुरू कर देता है मम्मी के जाने से पहले ही, कि बस ले जाओ मुझे नहीं रहना यहाँ पे टाइप्स। ठीक है, तो वो साइन आपको देखने पड़ेंगे कि किस चीज के साइंस दिख रहे हैं आपको, कारण ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्या रीजन है, और रीजन ढूंढने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि बीइंग अ टीचर आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें विद दीज साइंस कॉजेज और टीचर को क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी इस पीडीएफ में मेंशन है, ये जो मैनुअल है हमारी इसके अंदर मेंशन है। ओके, तो आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इनके मीनिंग समझ आ गए हो तो जरूरत शायद आपको ना पड़े। ओके, देन आती है कॉमन अडोलेसेंट इश्यूज, ये तो थे चाइल्डहुड के, अडोलेसेंट के अलग लेवल के इश्यूज दिखेंगे आपको, कि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है उनका किसी और चीज को स्ट्रेस, या इमेज कैसी है उसको सोच के स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, या वो बॉडी इमेज को या सेल्फ एस्टीम को लेके क्या है इंफीरियर फील कर रहे हैं, इश्यूज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक कंसर्न। साइकोसोमेटिक कंसर्न क्या होता है, कुछ ना कुछ इश्यू होना, जैसे बच्चा रोज बोल रहा है कि मुझे स्टमक है, मतलब स्टमक एक है, स्टमक एक लगा लीजिए या एब्डोमेन पेन लगा लीजिए। ठीक है, तो वो इश्यू उसको आ रहा है कि उसका पेट दर्द हो रहा है, बट पेरेंट्स ने क्या किया, सब कुछ चेक करवा लिया, सब चीजें सही हैं और कोई इश्यू ही नहीं आ रहा मेडिकल लेवल पे। तो ठीक है, बट तो ये एक मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है यहाँ पे, ये चीज पेरेंट्स ने सोची नहीं और पेरेंट्स ने उसको कि झूठ बोल रहा है करके डांटना शुरू कर दिया और फिर ऐसे ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया। सो वो चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके का भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यू आ सकता है बच्चे को। सो बीइंग अ टीचर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप पेरेंट्स को भी अवेयर कर सके। कंडक्ट या डेलिक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कि अग्रेशन है बच्चे में या कुछ जो है गलत कंडक्ट कर रहा है वो चीजों को, या बहुत अग्रेशन में किसी को मार दिया पीट दिया स्कूल में नहीं आ रहा है टाइप वाली सिचुएशंस, वो भी एक मेंटल हेल्थ इश्यू में जाएगा। इश्यूज ऑफ बुलिंग इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू आ जाता है बुलिंग का, कि अब वो बुलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, फिजिकल बुलिंग हो सकती है, मेंटल बुलिंग हो सकती है, कि मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है कुछ ना कुछ बोल के सुना सुना के कह कह के, ठीक है, या फिर फिजिकली लड़ाई पिटाई हो गई बच्चों के आपस में, तो वो इश्यूज मेंटल हेल्थ इश्यूज में होंगे। प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट का यूज, यानी प्रॉब्लमेटिक में क्या आ गया कि इंटरनेट का यूज तो ठीक था बट प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है अब वो, कि बच्चों ने जो है ऑनलाइन ही फ्रेंड्स बना लिए हैं, पूरा दिन फोन पे रहते हैं और ऑनलाइन ही जो है गेम्स खेल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट का यूज जो है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। देन कंसर्न्स रिलेटेड टू ईटिंग पैटर्न्स, तो ईटिंग पैटर्न्स में मैंने दो ऑलरेडी जब डेविएशन करवाया था डेवलपमेंट का उस टाइम पे बताया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। आप इसमें ऐसे याद भी रख सकते हैं जैसे बुल्ले शाह बोल देते ना, कि ऐसे बुल्ले शाह मतलब बड़ा बड़ा कुछ टाइप्स, ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, एक्सेस में चीजें खा रहे हैं आप, एक्सेस की बात हो रही है। एनोरेक्सिया में आप स्लिम होने के चक्कर में या और पतला होने के चक्कर में खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो ईटिंग पैटर्न्स हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स। कंसर्न रिलेटेड टू स्लीप पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कि रात को लेट सो रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स की मान नहीं रहे हैं वो चीजें, उनको नींद नहीं आ रही है या कोई और रीजन आ रहा है, तो वो भी किस में जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज। देन डीलिंग विद लॉस एंड ग्रीफ, कई बार होता है कि आपके नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई और आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो लॉस है उससे डील कैसे किया जाना चाहिए, वो भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। इश्यूज ऑफ रिलेशनशिप ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के टाइम पे मान लो आप मतलब बीइंग अ गर्ल किसी लड़के से बात कर रही हैं, क्लासमेट से बात कर रही हैं कुछ भी, और आपके पेरेंट्स को वो चीज पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो चीज वहां पे क्या आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं और वो एक मेंटल हेल्थ इश्यू बन जाता है, क्योंकि फिर आपको पेरेंट्स पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ओके, तो वो जो सिचुएशन है रिलेशनशिप के इश्यूज एडोलेसेंस के टाइम पे, वो भी मेंटल हेल्थ इश्यू बन जाते हैं बहुत बार। इश्यूज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक लड़का है जो कि उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या है टाइप्स, मतलब बायोलॉजिकली ही इज अ बॉय
बॉडी लिख दिया मैंने बॉय, बायोलॉजिकली ही इज अ बॉय बट वो क्या करना चाह रहा है गर्ल में चेंज होना चाह रहा है बिकॉज उसकी फीलिंग्स या जो जैसे वो फील करता है देखता है वाली सिचुएशन वो क्या है लड़कियों वाली है. तो वो जेंडर आइडेंटिटी का एक इश्यू हो जाना जो मैंने कहा था कि उसको फिर काउंसलर के पास भेजा जाना चाहिए. तो वो चीजें क्या है कॉमन एडोलेसेंट इश्यूज ये हो सकते हैं, ये एडोलेसेंट लेवल पे दिखेंगे. ओके और जो पहले पढ़े थे वो चाइल्डहुड लेवल पे ज्यादा दिखाई देते हैं बट दोनों में चीजें वही रहेंगी कि हमें साइंस ढूंढने हैं कारण और फिर टीचर क्या कर सकता है. तो ये सारी चीजें भी विद एग्जांपल उस मैनुअल में मेंशन कर रखी है. अब कुछ एक इमोशनल और बिहेवियरल एमरजेंसीज भी होंगी, मतलब है तो वो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या कंसर्न ही बट एमरजेंसी है, मतलब सबसे पहले उसको एड्रेस किया जाना चाहिए. जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई लड़की है और वो ड्राइवर जो है उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं और वो टीचर को आके बताए, ठीक है, तो वो एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला केस हो जाएगा. अग्रेशन एंड वॉयलेंस इन एडोलेसेंस, तो वो भी एक एमरजेंसी होती है कि आप बहुत ज्यादा अग्रेशन शो कर रहे हैं और वॉयलेंट हो रहे हैं. ऑल्दो अग्रेशन इज ओके थोड़ा सा बिकॉज वो भी एक तरीके का इमोशन है बट अग्रेशन के बाद वॉयलेंस वो होता है कि पहले फ्रस्ट्रेशन होती है देन एंगर होता है देन अग्रेशन रेज और वॉयलेंस. तो एंगर ठीक है गुस्सा आ गया आपको बट अग्रेशन थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन से वॉयलेंस तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा. तो वो चीजें आपको अगर वॉयलेंट हो रहा है बच्चा तो आपको एड्रेस उसको जल्दी करना पड़ेगा. सब्सटेंस यूज या अदर एडिक्टिव बिहेवियर्स की अगर बच्चा जो है या एडोलेसेंट जो है वो कुछ और सब्सटेंस लेने लग गया या ड्रग्स या किसी और चीज के अंदर फंस गया, एडिक्टिव बिहेवियर किसी चीज में हो गया उसका, सो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आएंगी. सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर, सो अगर इस तरह ये जो चीजें हमने देखी है ना चारों ये एमरजेंसीज हैं. ओके इमोशनल और बिहेवियर लेवल पे कि अगर कोई भी केस है तो इनको पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इनके बारे में बात होनी चाहिए कि आप अगर सुसाइड मतलब बच्चे के अंदर सुसाइडल थॉट्स अगर आ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गए होंगे. किसी को भी मरना पसंद नहीं होता, ठीक है, किसी को भी ऐसे नहीं होता कि आप लाइफ से चले ही जाएं. तो वो सेल्फ हार्म आप किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में करते हैं. सो बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट्स आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, तब जाके वॉयलेंस आपको दिखेगा, ठीक है. और अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो आपको बच्चे को अवेयर करवाना चाहिए, जो हम आजकल देखते भी हैं मूवीज में, वेब सीरीज में, गुड टच बैड टच, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपको बच्चों को समझानी है, ठीक है, उन्हीं के तरीके से, ताकि अगर उनको कभी कोई चीज गलत फील हो तो वो आपके आके सबसे पहले या तो टीचर को बताएं या आपको बताएं बीइंग अ पेरेंट. ओके अब ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमें प्लान करनी पड़ेंगी बट हमें सेंसिटिव तरीके से प्लान करना पड़ेगा और विद द कोलैबोरेशन के साथ करेंगे हम, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ. तो कोलैबोरेट करके चीजों, क्योंकि हमने बोला था ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जरूरी है, सो कलेक्टिवली करेंगे चीजों को विद अ सेंसिटाइजेशन इन द प्लानिंग, यानी सेंसिटिविटी रहेगी. सो मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल जो है उसकी बात की गई है कि एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल स्कूल में होना चाहिए. इन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया कि जो स्कूल सेफ्टी कमेटी है स्कूल में, जो कि अक्टूबर 2021 से, मतलब 1 अक्टूबर 2021 से क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि जो स्कूल सेफ्टी कमेटी है वही कमेटी मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल की तरह भी काम कर सकती है. ओके और उसका हेड कौन रहेगा, चेयरपर्सन उसका रहेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो, वो उसके नोडल पर्सन वहां पे रहेंगे. टीम की बात किया इन्होंने कि टीम्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस वेरियस डोमेन्स विद स्टेक होल्डर्स, तो 5 टीम बनाने की भी इन्होंने बात की है. देन आता है जी दूसरा पॉइंट, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा. WHO के अकॉर्डिंग, WHO की रिकमेंडेशंस थी कि एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. प्रोमोशनल होनी चाहिए, यानी चीजों को बताया जाए, अवेयरनेस आप फैला रहे हैं बच्चों के बीच. प्रिवेंशन होना चाहिए कि आप प्रिवेंट करें चीजों को, जो हम बोल रहे थे ना कि हमने टॉपिक में भी पढ़ा है क्यूरेटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी एक स्कूल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर. अर्ली डिटेक्ट करेंगे आप चीज को और अर्ली डिटेक्ट के बाद अगर कोई इश्यू आ रहा है सो रेफरल प्रोविजंस भी उसमें मेंशन होने चाहिए जो आपका स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें. अब की स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो की स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगी, नॉन गवर्नमेंट भी रहेंगी, प्लस स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे पहले. देन और भी होंगे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, मेंटल हेल्थ सेक्टर हो गया, या सेफ्टी या वेलफेयर सेक्टर हो गया, लीगल और लॉ एनफोर्समेंट, तो ये लोग भी इंक्लूडेड रहेंगे, ये ध्यान रखना है हमने.
ओके जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो पीएचसी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो हो गए, पीडियाट्रिशियन से आपको लेबरेट कर सकता है स्कूल, क्योंकि पीडियाट्रिशियन बच्चों के लिए ही तो होते हैं, ठीक है। फिर देन गायनोकोलॉजिस्ट से आप कर सकते हैं, जो कि आपको आके बच्चों को मतलब अडोलेसेंट्स को जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके मेंटल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूडेड हो सकते हैं। सोशल वर्कर हो सकते हैं, वो बाहर क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन होती है, क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है लोगों को, किसी की स्टोरी बता के आप लोगों को मोटिवेट करें, बताएं चीजें ना। तो वो चीज पॉइंट क्या है ओवरऑल, कि हमें हर सेक्टर को इंक्लूड करना है जब भी हम स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे की स्टेक होल्डर्स रहेंगे स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट पॉइंट कि प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने हैं किसके लिए, क्रिएटिंग अ स्कूल मेंटल हेल्थ एनुअल प्लान। तो जब भी एक मेंटल हेल्थ का जो प्लान है, एनुअल प्लान वो बन रहा है, तो उस टाइम पे कुछ एक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें कि नीड्स का ध्यान रखें, जो एनवायरमेंट है वो कैसे बेटर कर सकते हैं हम, उसका ध्यान रखें। कुछ एक टूल्स की भी बात करते हैं कि जब पेरेंट टीचर काउंसलर स्टूडेंट कोलैबोरेशन हो, तो कुछ एक टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। कौन से टूल्स रहेंगे, पहले ये देखिए, ये जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पेरेंट्स का एंगेजमेंट, काउंसलर का एंगेजमेंट और टीचर का एंगेजमेंट, ये बहुत जरूरी है, और इन तीनों का भी आपस में कनेक्शन बहुत जरूरी है अगर हम स्टूडेंट की वेलबींग या मेंटल हेल्थ के बारे में पॉजिटिव चीजें सोच रहे हैं। तो अब ये करेंगे कैसे, ये कोलैबोरेशन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपस में काउंसलर के साथ ये बच्ची बात कर रही है, ठीक है। सो वो चीज क्या है, आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन होता रहे, एक्टिविटीज आप इस तरीके की करवाएं, यूजिंग LMS, LMS की फुल फॉर्म हो जाएगी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम नॉलेज रिपोर्ट या प्लानिंग कैसे करनी है, सर्वेज हैं उनके हिसाब से डाटा देख रहे हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो मेंटल हेल्थ वाला इश्यू है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, जिसमें हमने एड्रेस किया, प्रिवेंटिव की बात की, प्रमोटिव डायमेंशंस की बात की कि कैसे आप अवेयर करेंगे, और फिर क्योर कैसे करेंगे इंटरवीन करके, वो भी हमने बात की, ओके। और इसमें बीच बीच में हमने ये भी बात की कि गाइडेंस और काउंसलिंग का कितना रोल, कितना बड़ा रोल इसमें रहेगा, ओके, और कहां पे काउंसलर जो है वो पिक्चर में आता है। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर, ये तीन लोगों की कोलैबोरेशन प्लस स्टूडेंट, इनकी चारों की कोलैबोरेशन जो है वो बहुत जरूरी रहेगी हमारी स्कूल मेंटल हेल्थ के केस में, ओके। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो, आपको समझ आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। कुछ एक लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, एक बार उनको जाके देख लीजिएगा, तो आपको ऑथेंटिसिटी जो है इस क्लास की पता चल जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, एंड रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एंड इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री। थैंक यू।